तरफ से डायरेक्ट वॉक ड्राइव रखे गए हैं। कौन कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हैं आपको डेली प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स मिलते रहते हैं। सबसे पहले अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन है। कहाँ के लिए हायरिंग है? वाइंड प्रोजेक्ट्स गुजरात और राजस्थान के लिए हायरिंग है। कैंडिडेट जिन्होंने बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल से किया है, जो प्रोजेक्ट्स और कमीशनिंग में एक्सपीरियंस है 3 से 25 ईयर्स का, वो अप्लाई कर सकते हैं। सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए गुजरात और राजस्थान की है। सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए कैंडिडेट जिन्होंने बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल से किया है, प्रोजेक्ट और कमीशनिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस है 3 से 25 साल का, तब आप इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा? जो भी कैंडिडेट रिलेवेंट क्राइटेरिया को मैच करते हैं और रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, उन्हें 5 मार्च 2024 से पहले अपना रिज्यूम फॉरवर्ड करना होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट वॉक इन ड्राइव है, इसलिए आपको मेल के थ्रू कॉन्टेक्ट किया जाएगा अगर आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। मेल आईडी ajitkumar.dehuri@adani.com रहेगा, या फिर आपको एक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर गूगल फॉर्म फिल करना होगा। देखते हैं, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। करियर अपॉर्चुनिटीज अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये इनका अप्लाई लिंक दिया गया है। जैसे आप, सबसे पहले आपको मेल आईडी डालनी होगी, इसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड करना होगा, फिर आपकी ईमेल आईडी वापस मांगेगा मेंशन करनी होगी, फिर फ़ोन नंबर ऐड करना होगा, अल्टरनेटिव अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर है तो उस पर ऐड करना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे आपने ITI BTEC डिप्लोमा जो भी किया वो मेंशन करना होगा। इसके बाद अपने ब्रांच चुन सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल अदर्स जो भी है। एक्सपीरियंस आपके पास अगर 3 ईयर्स प्लस है तो उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं। करंट लोकेशन, आप कहाँ रहते हैं, अब प्रेफर लोकेशन आपको बतानी होगी, गुजरात राजस्थान या अदर्स। उसके बाद आपको अपना रिज्यूम ऐड करना होगा, ऐड फाइल पर क्लिक करके और सबमिट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों ये प्रोसेस रहेगा आपको डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए, अदरवाइज आप मेल आईडी पर अपना रिज्यूम फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई क्वेरी आती है तो कमेंट जरूर करें। इसी तरह के जॉब अपडेट्स के लिए लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। 3 तारीख से पहले पहले अप्लाई करना है। धन्यवाद।